हाय दोस्तों, आज हम अपनी दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि फैक्ट्री का स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उस पर हमने आपको पूरा खुल के बताया। जब आप हमारी पहली वीडियो देखेंगे कि फैक्ट्री का स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, लोकेशन के बारे में बताया आपको, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पहले फैक्ट्री लगाने से पहले क्या चीज़ें आपको माइंड सेट करके स्टार्टअप करने से पहले क्या चीज़ माइंडसेट करना चाहिए कि कैसे हमको फैक्ट्री लगानी है। गलत जो है लोकेशन, गलत चीज़ों का स्टोर करके फैक्ट्री बहुत से लोग नुकसान पे चले जाते हैं, इसलिए हमने आपको पहला बताया। आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं। दूसरा स्टेप हमारा जो होता है, अब फैक्ट्री आपने लगा ली है, लोकेशन वगैरह हो गई है, आप मशीन ले आएँ, सबसे पहली चीज़ मोल्डिंग मशीन इस टाइप की दिखती है। ये हम आपको पूरा इसका व्यू दिखा रहे हैं, इस टाइप की दिखती है। और इसमें अलग अलग तरीके की मशीनें आती हैं। ये PLC मशीन है, इसमें HMI ये लगा होता है, इसको HMI बोलते हैं, ये PLC बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सी अलग अलग तरीके की मशीन आती हैं, टॉगल में, रैम में, हर तरीके की अलग आती है। वो हम आपको आगे धीरे धीरे बताएंगे, अभी आपको उसके बारे में समझ में नहीं आएगा। लेकिन मशीन की लोकेशन दिखा रहा है, ये मशीन होती है इस टाइप की, और इसमें टनेज के हिसाब से होती है। जैसे इसमें देखिए, हमारे यहाँ पर ये लिखा 140 टन की, इधर दिखाई दे रहा 140 टन लिखा, ये 140 टन की है। इसी तरीके से अलग अलग होती है, कोई 240 टन, कोई 180।